फैन बंद करो। आज फोन करता रुक जाता है, रुक जा रुक जा, बिजी हो जो फोन कर। चलो भाई चलो, बच्चे में आगे चलो समझ लो, कुछ स्पीकर समझ लो। ये फैन फैन बंद कर देना, फैन बंद चार पांच करो ना। लाइटर लाइटर नहीं है क्या? कितनी हौसला अफजाई होती है और कितना इम्पोर्टेंट और अहम है, हम सब जान रहे हैं जिस हालात से पूरा देश, खास करके मुंबई, फिर भी हमने कोरोना पे बहुत काबू पा लिया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह का कैंप होना? ये मैं आपको बता दूं कि एक महीने पहले 5 अप्रैल को राज्य के आरोग्य विभाग ने चिंता जताई कि मुंबई में जिस प्रकार से केसेस बढ़ रही थी तो खून की किल्लत होगी, ब्लड बहुत ही कम बैंकों में था, ब्लड बैंकों में। तो मैंने खुद 8 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और हमने कहा कि मुंबई कांग्रेस 10,000 यूनिट जमा करके दे देगी सरकारी सारे ब्लड बैंकों को। और 11 तारीख से महात्मा ज्योतिबा फुले उनके जयंती के उपलक्ष्य पे हमने शुरुआत की। आपको याद होगा तब लॉकडाउन था, आज भी लॉकडाउन है, बावजूद के इसके हमारे बंदों ने, हमारे कांग्रेस के तिरंगे के सिपाहियों ने, सारे लोगों ने आज तक 6,000 से ज़्यादा यूनिट ऑलरेडी जमा की है। अगर आप देखोगे तो ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, मुझे 2-4 दिन से गवर्नमेंट ब्लड बैंकों से फ़ोन आ रहा है, भाई हमारे पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ब्लड बैंक सारे फुल हो गए। तो ये वक्त का तकाजा था, ये वक्त की ज़रूरत थी, ये मुंबईकरों की ज़रूरत थी और देश के नागरिकों की ज़रूरत थी, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है। मुझे इस बात की, ये ब्लड कैंप की मैं खास करके बात करूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे जिला के युवा अध्यक्ष जगदीश अमीन को और हमारा NSUI का बंदा दीप, फिर वो निखिल हो, यहाँ हमारा ये जीतू हो, बाकी सारे ये हमारे सारे यहाँ के कार्यकर्ता और ये जनरल सेक्रेटरी हमारे राजेश कोटियर। आप देखिए 2-3 दिन से मुंबई के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। मुझे अभी यहाँ से जाना है दांडा, जो तूफान आया 2-3 दिन से, वहाँ मछुआरों की बहुत हालत ख़राब हुई है। हमारे गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी भी आ रहे हैं, हम वहाँ पूरा मुआयना करने जा रहे हैं क्योंकि उनको मदद करनी है। तो ये काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया, उसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। मुझे इस बात का बेहद खुशी है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए 2 दिन से तूफान बारिश, बट ये बंदों ने ये कैंप, मैं रात को फ़ोन किया, रात को मेरी इनकी बात हुई, मैं बोला देख लो क्योंकि अभी भी थोड़ा सा साया, अभी भी थोड़ा सा आया है, बोले नहीं भाई जो हमने तय किया हम करेंगे। तो ये एक जिद जो होती है, ये किसके लिए जिद है? सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए नहीं, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। मुझे खुशी होती है मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते कि जो मैंने एक मिशन करके मैंने मेरे लोगों के सामने रखा, लोगों ने उसको कामयाब बनाया। तो यही हमारा काम है, यही हमारा फर्ज। सर निखिल रूपारेल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अक्सर ऐसे सोशल वर्क और ऐसे कार्य उन्होंने किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो शुरुआत है, निखिल
रूपारेल को बहुत आगे चलना है, ये एक अच्छी बात है। जमीन के ऊपर उसकी हाइट अच्छी है, तो मेरी भी हाइट है, मैं जमीन के ऊपर 6 फुट ऐसा थोड़ी हूँ, 40 साल लगे ये यहाँ आने के लिए, तो उसकी शुरुआत है बहुत अच्छी है। पर फिर एक बार बात बता दूं कि निखिल जो काम करना चाहता है, अगर जिला अध्यक्ष ये सारे लोग टीम करके काम कर रहे तो वो उभर के आता है और उसी को संगठन कहते हैं। व्यक्तिगत हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर जब आप संगठन करके काम करते हो और देखिए टीम, आप सुबह से आप हो, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो बहुत सारी जगह मैंने विजिट करके, यहाँ विजिट करके मुझे और कहीं जाना है, तो ये संगठन का मुझे उस बात की खुशी है, मेरा संगठन नज़र आ रहा है। ये देख लीजिएगा माय मुंबई माय कांग्रेस, ये है मेरी मुंबई मेरी कांग्रेस, ये पहली दफ़ा मुंबई में पिछले 4-5 महीनों से एक वातावरण हो रहा है और अच्छा लगता है। राजनीतिक गलियारों की मैं बात करूं तो बहुत तारीफ करी जा रही है, स्टेट को बोला जा रहा है जब मॉडर्न बता ना, ये मॉडल है, ये एक आदर्श है, शुरुआत में बड़ी क्रिटिसाइज करा गया, लेकिन आज इसी महाराष्ट्र स्टेट को एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है, जिस तरह से कोरोना पे काबू करा गया है, जिस तरह से ऑक्सीजन को मैनेज करा गया है, सर उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जिनका राजनीतिक एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना है, नरेंद्र मोदी हो चाहे भाजपा हो, लोगों के वोट के आधार पे वहाँ पंत प्रधान बने और अब मालिक बन के बैठे हैं, मेरा तो सवाल उनको है कि इस पूरे महामारी में हमारे देश के प्रधानमंत्री तो दिखाई नहीं दिए, वो तो वहाँ 5 राज्यों में चुनावी रैली में तो दिखाई दिए, और विडंबन इस बात का है चुनावी रैली में लाखों लोगों के भीड़ में भाषण करते थे और रात को 8 बजे आके पट्टी लगा के बोलते थे कि सबको पट्टी लगानी है, दिन भर पट्टी कहाँ गई उनके मुंह की। तो इस तरह का ये दुर्भाग्य इस देश का, 70 साल में कुछ भी नहीं था, सुई नहीं बनती थी इस देश में, आज जो ये आप देख रहे हैं ये देन कांग्रेस की है, नेहरू जी ने शुरुआत की, राजीव जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई और मनमोहन सिंह जी ने पूरे विश्व में कांग्रेस का नाम और कांग्रेस की ताकत सारे विश्व को दिखाई। पिछले 6-7 सालों में जो हालात है, पता नहीं कि आज क्या हालत है पूरी विश्व में हमारे देश की, हमारी जितनी फ्लाइटें हैं ना अमेरिका में वो उतरने देते हैं ना दुबई में उतरने देते हैं, तो और देशों ने हमारे यहाँ जिस तरह का एक अघोषित बायकॉट किया है ना, एक प्रकार क्या कारण है इसका, पूरे विश्व में तो ये था, ये पेंडेमिक कोई मुंबई में महाराष्ट्र में देश में नहीं, पूरे विश्व में सारे देशों ने जब लॉकडाउन किया तो अपने सारे नागरिकों को उन्होंने टीकाकरण किया, वैक्सीनेशन किया मुफ्त। मेरे देश के प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि तुमको पैसे दे के लेना पड़ेगा, और मेरे बच्चों की वैक्सीन तो बाहर भेज दी, किस प्रकार के प्रधानमंत्री है ये, और ये भाजपा के ये जो चमचे और जो अंधे भक्त जो है वो तो यहाँ लगे हुए थे कि भाई यहाँ सब बर्बादी हो, लॉकडाउन में भी ये रास्ते पे जिस तरह का नंगा नाच करते थे, ये खोलो वो खोलो, जिस तरह से महाराष्ट्र को मुंबई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ करता हूँ मैं ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, जिन्होंने कहीं भी ध्यान नहीं दिया, बहुत रोड़े डाले गए, बहुत अटकलें बताई गई, बहुत जिसको कहते हैं ना कि हमारी परीक्षा ली गई, पर उसमें कामयाब हो गई सरकार। आज पूरे विश्व में जैसे धारावी पैटर्न चला पूरे विश्व में, वैसे आज मुंबई पैटर्न चल रहा है पूरे देश में। मुंबई ये जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है ये बता रहे हैं आपको मुंबई जैसा काम करना है, आपको महाराष्ट्र जैसे काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो मैं गंगा पुत्र हूँ कहा था, गंगा साफ करने की बात कर रहे थे, गंगा के आंचल में आज मुर्दे दिखाई दे रहे सारे, मोदी जी कहाँ हैं आप?
आप तो चुप के बैठ गए। उम्मीद क्या है लोगों को? देश का मुखिया सामने से आए, लोगों को हौसला दे, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ना दिखाई दे रहे, देश के जो होम मिनिस्टर है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये हालात है इस देश के, पर हमारा फर्ज बनता है, हमारा राहुल गांधी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फिर केरल हो, चाहे वो फिर अब यहाँ हो पंजाब हो, चाहे वो फिर राजस्थान हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में, तो हमने कहा भाई हम लोग संभाल लेंगे। तो ये किस प्रकार की ये है सरकार है, इस किस प्रकार का नेतृत्व है, ये हमने इसके पहले भी बहुत सारे सवाल उठाए आपके माध्यम से, ये भी सही। अब आप कितना दिखाओगे मुझे मालूम नहीं, पर आपको भी एक मैं ये देता हूँ कि आप ये सारा दिखाइए, जरा हिम्मत करिए, डरिए मत, ये कुछ नहीं कर सकते। इंसान डराने की कोशिश किसको करता है? जो गरीब मजलूम, जो जो जवाब नहीं दे, हम जवाब दे सकते हैं। आप हिम्मत करिए, सब सब जो है दिखाइए, और हर सवाल अगर उनके पास है तो भाई जगताप मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते जवाब दे देगा। एक आखिरी सवाल, इस पैंडेमिक के टाइम में देखा गया कांग्रेस के अनुसार कि काफ़ी ऐसे युवा निखिल रूपारेल जैसे जिन्होंने आगे बढ़कर के लोगों की मदद की है, आपके द्वारा जिस तरह से मॉनिटर करा जा रहा है कि आगे वाले इलेक्शन में नौजवानों को भी क्या चांस मिलेगा कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो आ रहा है? आपको पूरी मालूमात नहीं है इसलिए आप इस तरह के सवाल आप पूछोगे, और पूछना भी चाहिए। मेरी जो अभी कमेटी बनी है, मुंबई कांग्रेस आज की नहीं है, सालों से मुंबई कांग्रेस चलती है। मेरी कमेटी आप देखोगे तो उसमें युवक सबसे ज़्यादा है, चाहे युवक कांग्रेस हो, NSY के लोग हैं, महिला कांग्रेस है। मेरे ऊपर बहुत टिका टिप्पणी कर की गई कुछ लोगों ने, क्योंकि वह अपना अपना स्वार्थ होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। NSY अच्छा काम कर रही है निखिल रूपरेल के नेतृत्व में, और ये सामाजिक कार्य है। मुंबई कांग्रेस भाई जगताप का ये आह्वान है कि 10,000 बॉटल करेंगे, क्योंकि खून की कमी है, कोरोना का वक्त है, और सब प्रोटोकॉल फॉलो करके ये करना चाहिए, और ये कर रहे हैं इसी तरह, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो पहल, ये हर ऐसे कार्य जो होता है, जो सामाजिक कार्य होता है, सियासी कार्य होता है, ये पहल करते हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं और भी चीज़ें करते हैं ये, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा भाई, आपके द्वारा, आपके किसान निधि के द्वारा इस कोरोना काल में काफ़ी जरूरतमंदों के लिए वैक्सीन कराई गई और भी चीज़ों को सैनिटाइज किया गया, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करो, क्योंकि मैं खुद इसमें से जूझ के निकल चुका हूँ, मेरा परिवार निकल चुका है, और जो प्रोटोकॉल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करना चाहिए। 6 फीट दूरी, मास्क पहनना चाहिए, ऐसा गिरे तो फ़ायदा नहीं है, और अपने आप को वैक्सीन करावे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक, मैं समझता हूँ, मेरी ये सोच है कि किसका रास्ता है। और बहरहाल हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, ये सभी लोग कह रहे हैं। और रहा बात कार्य का, ये तो हर नागरिक का अपना अपना, अपनी तरफ से जो भी वो कर सके ऐसे वक्त में सहयोग देना चाहिए। बाबा भाई, देखा गया है कि अभी जो मौजूदा सरकार की काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएशन किया है, क्योंकि UP से और भी दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में आके लोग अपना इलाज कराए, उनको गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धि हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहो? कितना लोगों में विश्वास जो जुड़ा है? मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहूँगा, जो भी शख्स चाहे, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दिक्कतें आ रही हैं कुछ चीज़ों की, ये वक्त नहीं है सियासत करने का, सही वक्त में कहेंगे, पर इतना कह सकता हूँ कि महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इससे लोगों को फ़ायदा भी फैल रहा है, पहुँच रहा है,
और इसी तरह वो काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कोरोना को हराने में कामयाब रहेंगे। काफी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स, 6 feet अवे, फॉलो द प्रोटोकॉल, दिस इज अ वॉर वी हैव टू ओवरकम। भाव जरा इधर, भाव इधर। Yeah.
Thank you. Excuse me.
भाऊ तुमचा सिंगल ब्लड डोनेट केलं ते कुठल्या पक्षाचं नाही 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 ते भाऊ इतना इतना बढ़िया इंसानियत का काम किया, हमेशा से आप मदद करते हैं लोगों की, किससे प्रेरणा मिलती है और आज इस ब्लड डोनेशन के साथ क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये रक्तदान एक जीवन दान है, समझा? आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ऐसे हालात चालू है। ऐसे हालात पे बाहर आके आपका फर्ज बनता है कि बाहर आके लोगों की मदद करें, ना कि अपने घर में बैठे। हाँ, तो ये ज़रूरी है, हर इंसान ने करना चाहिए। जो आज मैंने किया वो मेरा फ़र्ज निभाया, मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, मैंने मेरा फ़र्ज निभाया। और लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है, आप आइडल मानते हैं, लोग आपको आदर्श मानते हैं, अनगिनत फैन हैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। हमारे यहाँ ब्लड की बड़ी कमी रही है अस्पतालों में, जो हालात कोरोना के रहे हैं, क्या मानते हैं एक नया पैगाम जाएगा और फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना बढ़ चढ़ के इस तरह के इंसानियत भरे काम में आगे बढ़े? नहीं, ज़रूरी है ना, करना तो ज़रूरी है। अभी ये दूध पीते तो कोई बच्चे नहीं है ना, सबको समझता है कि आज हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है, समझा? और ये ठेका सिर्फ गरीबों ने नहीं लिया, वो बेटे ना महिलों में, उनका भी फर्ज बनता है कि वो नीचे उतर के ना लोगों की मदद करे, समझा? सिर्फ वो घर में बैठ के वो बनाएंगे सोशल डिस्टेंस करो, मास्क पहनो, ये पहनो, वो नहीं होता है। नीचे उतरो और देखो बाहर क्या चल रहा है, वो हाँ मदद करो लोगों की। कंगना बहुत तरह की बयानबाजी करती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी being a journalist, I have not seen her donated something, और वो सिर्फ बयानबाजी में रहती हैं, ग्राउंड पे मुझे लगता नहीं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उसको बिठा है किसने सर पे? मीडिया ने ना। जब उसने बोला था कि मुझे मुंबई पीओ के लगती है, किसने बिठा है सर पे? मीडिया ने ना। उसको बोलो ट्विटर फेसबुक इससे नीचे उतर के ना ग्राउंड पे आके ना लोगों की मदद करें। सिर्फ ना बोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे आके मदद करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको बनाया है और आज लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो नीचे उतरो एयर कंडीशन से और लोगों की मदद करो। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब करती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मदद देखो, वो पब्लिक सिटी के लिए करती है या और किसी के लिए करते हैं उसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं और मालूम करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है। क्योंकि एक सेलिब्रिटी को छींक आती है तो आप लोग पहला पहुँचते हो उधर, उससे अच्छा वो गरीब के घर में आज चूल्हा जला कि नहीं उसके लिए जाके जरा पूछो ना। और ये नेता लोग को बता उन लोग को कि जरा इधर राउंड मार करके तेरे एरिया में ना लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको जाके पूछो ये बात। भाई ये छोटा मेरा अच्छा काम कर रहा है, ये कैंप ब्लड कैंप किया, बहुत अच्छा काम किया। कल मैं परसों गिरगांव में था, वहाँ भी ऐसे। ये सब चीज़ें ना, ये आज यूथ है ना, ये देश का भविष्य है,
इन लोग ने शुरुआत किया है, तो इन लोग ही अभी अंजाम देंगे उसका, टेंशन नहीं। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आजकल सिर्फ ट्विटर पे रह रहे हैं, ट्विटर पे भाषणबाजी कर रहे हैं, और ऐसे बड़े क्रिकेटर भी थे, अनुष्का मैम जो है और विराट कोहली, वो लोग डोनेशन मांग रहे लोगों से, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो जा रहे उधर पिकनिक के लिए, किधर है वो, मालवीज क्या है, हाँ उधर जा रहे पिकनिक को, आप काय को डोनेशन देते हैं, आपको इतनी खुजली है तो जाओ ना लोगों के घर घर में अनाज पहुंचाओ ना, उनको डोनेशन क्यों देने का, लोगों के घर घर में जाओ, दिखता नहीं क्या, अंधा लोग है क्या तुम लोग, जाओ ना आपने उनके घर में जाओ, लोगों के अनाज पहुंचाओ। आज साला इधर से लेके बांद्रा से लेके वो बाबा हॉस्पिटल पहुँचने का है 4,000 रुपया एम्बुलेंस का लेते, किधर से देगा गरीब, हाँ किधर से गरीब देगा, घर में बैठो सुरक्षित रहो, जब ना वो एक बाप घर के बाहर निकलेगा ना तो शाम को ना घर में चूल्हा जलेगा, बाप माँ बाप की दवाई आएगी, समझा, ये नहीं लोगों को समझ रहा है, सिर्फ डायलॉग देने का, घर में बैठो ऐसा है। बाबू आप इस पर क्या कहना चाहोगे, आप कई लोग ऐसे जो है आपके फैंस को भी शायद बहुत को कम पता है कि आप कई 20 साल से 15 साल से आप भी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इधर चला रहे हो, 24 घंटा फ्री चलती है, 24 घंटा फ्री एम्बुलेंस चलती है आगे आने वाले, हाँ, समय में और अभी भी मैं कम से कम अभी 2-3 महीने से भाग रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए, एक एक साल की वेटिंग है एम्बुलेंस की, एक एक साल की वेटिंग है, इसलिए दूसरी एम्बुलेंस डालना चाहता हूँ मैं, कि कहाँ से गरीब कहाँ से देगा पैसा एम्बुलेंस का, घर में अनाज नहीं पक रहा है और एम्बुलेंस का किधर से देगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। भाव जिस तरह से आपने आज आपका ब्लड डोनेट किया, क्या अपने फैंस लोग को आप अपील क्या करना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैंने मेरा फर्ज निभाया, आप लोग भी आपका फर्ज निभाओ, आज ये देश को आपकी ज़रूरत है, सिर्फ बोल बच्चन दे के मतलब नहीं, देश को ज़रूरत है, वो हर किसी की ज़रूरत है, ये मत देखो मुझे क्या करना है, ये मत सोचो, भले वो बॉलीवुड रहने दो, क्रिकेटर लोग रहने दो, कोई भी रहने दो, आज इस देश को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो अमीर गरीब मत सोचो, उतरो ये ग्राउंड पे और मदद करो। हाँ अभी रिसेंटली कल हमने तूफान का भी सामना किया, ऑलरेडी हम एक महामारी का सामना कर रहे थे, बहुत जगह पे पेड़ गिरे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, खास करके ये कर्मा है, कर्मा है, ये जो हुआ है ना ये कर्मा है, जो आपने किया ना वो भुगत रहे, झाड़ काट रहे हैं, बड़े से बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, समझा, ये सब कर्मा है, ऊपर वाला देख रहा है ना, उसको बोलते ना लाठी को आवाज़ नहीं, सच है वो ऐसे ही मारेगा, अगर गलत करेगा तो कर्मा लौट के आता है, होएगा वो। और कुछ नहीं ना, बस, और नहीं ना, बस।